करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेले का आयोजन शनिवार को किया गया। इससे पहले किसानों ने मेले में भाग लेने आए पशुओं का अवलोकन किया और पशुपालकों से उनके पशुओं की उत्कृष्टता के किस्से सुने। डॉक्टर चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुनी करने का सपना है, जिसे साकार करने में डेयरी सेक्टर तथा इंटीग्रेटेड कृषि अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में आए पशुपालकों के उत्साह को देखकर लगता है कि किसान इस दिशा की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एनडीआरआई के वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान इस प्रकार के मेलों का आयोजन करके किसानों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहाँ आप अपने पशुओं की उत्कृष्टता दिखा सकते हैं और उसका उचित इनाम भी पा सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए आर्थिक सहयोग से ज्यादा पुरस्कार पाना ज्यादा अहमियत रखता है। इस अवसर पर उन्होंने मेले से संबंधित स्मारिका का भी विमोचन किया। एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर चौहान ने कहा कि डेयरी मेले का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है, लेकिन कम पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। किसानों एवं डेयरी उद्यमों को एनडीआरआई के वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित करके डेयरी उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों को जानना चाहिए, ताकि पशुपालन में आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए उत्पादकों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए और अपनी चीजों का प्रदर्शन भी किया गया। वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए जानकारियां भी प्रदान की गई। देखिए एक रिपोर्ट। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल किसानों की सेवा में गेहूं और जौ किस्मों पर बहुत काम करता है, और हाल के वर्षों में हमने 2-3 किस्में विकसित की हैं जो किसानों के खेतों में बहुत अच्छी पैदावार दे रही हैं, जिसमें करण वंदना के नाम से DBW 187 एक ऐसी किस्म है जिसकी औसत उपज करीब करीब 78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है और इसकी पोटेंशियल यील्ड करीब करीब 96 क्विंटल तक है। इस बार किसानों ने लगाया भी है और पिछले दिनों हम किसानों के खेतों पर जा भी रहे थे और हमने देखा भी है। इसमें टिलरिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और अगले वर्ष बहुत सारे किसानों को ये मुहैया भी कराई जाएगी। किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वैरायटी को जब लगाना है तो आप अगेती लगाएं और 25 अक्टूबर से अगर लगाना शुरू करते हैं तो 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अगर आप लगाएंगे तो इसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एक ऐसी किस्म है जो 148 दिन का समय लेती है, तो इसलिए इसकी पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट करने के लिए ताकि अधिक से अधिक पैदावार दे सके इसकी अगेती बिजाई करें। दूसरी एक वैरायटी हमारी आई है जो करण नरेंद्र के नाम से DBW 222 है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इसकी भी पोटेंशियल यील्ड बहुत अच्छी है और हमारे संस्थान का प्रयास है कि अगले वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खेतों तक ये वैरायटी पहुँचाई जा सके। इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और भी बहुत सारी किस्में हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं, और जौ में भी कई सारी किस्में हैं जिसमें DWR B 160 एक ऐसी वैरायटी है जो माल्ट जौ की है और ये पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वी पश्चिमी भारत में सब जगह इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि इन वैरायटी के लिए आप अगले इस वर्ष आप अक्टूबर के महीने में हमारे से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो सके। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है और मैं प्रधान वैज्ञानिक हूँ कृषि विस्तार में इसी संस्थान में, भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान। प्रोजेक्ट है ये, कृषि विज्ञान केंद्र में एक यूनिट एस्टेब्लिश की गई है जिला स्तरीय मौसम विभाग की, जिसमें हम मौसम विभाग के द्वारा हम जानकारी दे रहे हैं किसानों को वे आने वाले 5 दिनों में मौसम कैसा होगा, आपको कब खेत में पानी लगाना है, कब आपको इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, किस स्टेज में पानी लगाना है, और ये जो सारी जानकारी है हम सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को थ्रू ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू और थ्रू वेरियस मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऐसे हम फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो जानकारी है हम भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उनका हम पूर्वानुमान जो होता है उसको मॉडिफाई करके जो लोकल कंडीशन के हिसाब से, जैसे आज और कल में हवा की गति ज़्यादा होगी और जो किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं या पानी लगा रहे हैं गेहूँ में वो ना लगाएं, 2 दिन के बाद हम उनको सलाह देते हैं कि वो खेत में पानी लगाएं। और इसी तरह जो सब्जियों में जो किसान भाई कर रहे हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि इन 2 दिनों में जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो इनमें ज़्यादा होगी, तो 2 दिन के बाद आप हल्का हल्का सब्जियों में और आपके जो नए यंग ऑर्चर्ड प्लांट है उनमें हल्का सा पानी लगाएं। ऐसे ही आप फिशरीज में भी कर सकते हो, जो 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 आपके पुराने पॉन्ड है, जो भी मछली पालक किसान भाई जो मछली पालन कर रहे हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि अभी जो मौसम है वो नमी की अधिकता है मौसम में, तो आपको जो आप फीड खिला रहे हो मछलियों को उनको एक ऑप्टिमम लेवल तक ही दीजिए, इससे एक ज़्यादा लेवल पर ना दीजिए।
जो पहले का पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो जाए फीड जो आपने खिलाया है उसके बाद ही नया डालिए, और जिस पौंड में आप अपनी मछलियाँ कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह जो किसान भाई अपने यहाँ डेयरी में अपने पशुओं को रख रहे हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि इस टाइम पर आप पशुओं का टीकाकरण करना स्टार्ट कर दीजिए, और टीकाकरण के अलावा आप जो अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर खिलाइए और गुनगुना पानी दीजिए। ये सारी जानकारी हम कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं हर मंगलवार और शुक्रवार को, और वो इश्यू करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है अभी ऑनगोइंग है, अभी हम फार्मर तक जो अपनी जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं और इस तरह से ये एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। ये तो इंग्लिश में कर रहे हैं, जैसे लाइफ स्टॉक के लिए क्या है, फिशरीज के लिए क्या है, और ऐसे ही हिंदी में भी भेज रहे हैं। और जो आगे आने वाले 5 दिनों का वो उसकी जो मौसम पूरा अनुमान है उसकी स्ट्रिक्टता 80% से ज़्यादा तक होती है। सर आपकी मेल आईडी क्या है जिससे किसानों को आपके थ्रू फायदा उठा सके मौसम के बारे में? हाँ जी, हमारी मेल आईडी है और हमारे फ़ोन नंबर हम इसमें मेंशन कर रखे, हमारी GKMS NDRI की है। वो जो मेल आईडी है GKMS NDRI@gmail.com है, मेरी खुद की मेल आईडी पे आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमने हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है जो KVK करनाल का है, जो आप 0184-225-9338 से भी आप संपर्क कर सकते हो। तो हम उसमें भी आपको मौसम की जानकारी जैसे जो भी आप गतिविधियाँ करना चाह रहे हो उसके बारे में हम आपको बता दें। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार है, मैं कृषि मौसम विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और जिला स्तरीय जो मौसम पूर्वानुमान है उसके तहत मैं यहाँ कार्यरत हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।